जिम्मेदारियों का रखो ध्यान, मिलेगा लाभ और समाधान। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने पहले कई बार बताया है कि अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें राहु, केतु और गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का विश्लेषण हमने राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी कन्या राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ग्रहों का भ्रमण, उनकी स्थिति और उसका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम, इनका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बड़ा परिणाम राशि के अनुसार हर जातक पर होता है, अर्थात वह परिणाम शुभ अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है। उस अनुसार आने वाले 29 अप्रैल को बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। मकर राशि से कुंभ राशि में इस प्रकार उनकी यात्रा रहेगी। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हम शनि महाराज के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं। इस वर्ष को जब हम विचार करते हैं और अप्रैल में होने वाले सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन को देखते हैं तो कहीं न कहीं एक युग परिवर्तन का प्रभाव हमें दिखाई देता है। विशेष बात है कि होने वाले राशि परिवर्तन का अध्ययन हम करते हैं तो रवि ग्रह मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, लेकिन वही राहु ग्रह भी उपस्थित रहेगा, जिस कारण रवि को ग्रहण लगेगा। गुरु ग्रह मीन राशि में होगा, जो उसकी स्व राशि है। उसी समय वहाँ शुक्र भी उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, अर्थात गुरु और शुक्र दोनों मीन राशि में, लेकिन राहु और शनि जैसे दो पाप ग्रहों की कर्तरी में फंस जाएंगे। प्राकृतिक कुंडली का लाभ स्थान हम देखते हैं तो शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जिसके कारण वे अत्यंत बलवान होंगे। लेकिन उसी समय वहाँ उनका आदर्श शत्रु मंगल ग्रह भी होगा। कुल मिलाकर हर ग्रह की स्थिति देखा जाए तो प्राकृतिक कुंडली का विचार किया जाए तो कहीं न कहीं संकट की, परेशानी की स्थिति निर्माण होने की संभावना है। फिर भी इस स्थिति के कुछ शुभ परिणाम अवश्य रहेंगे। शनि महाराज की साढ़े साथी भी एक स्वतंत्र और गहन विषय है। साढ़े साथी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का भय उस संदर्भ में फैला हुआ है। वास्तव में शनि महाराज का नाम साढ़े साथी के बिना अधूरा रहता है, इसीलिए उस संदर्भ में भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो साढ़े साथी अशुभ होती है, यह विषय दिमाग से निकालते, क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह शुभ भी होती है। इतना ही नहीं, साढ़े साथी में भव्य दिव्य उन्नति हो सकती है, उसके कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। वास्तव में साढ़े साथी के माध्यम से शनि महाराज हमें समझ देते हैं, जिम्मेदारियां स्वीकार करना वे हमें सिखाते हैं, अच्छे बुरे के प्रति हमें जागरूक करते हैं, अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर होती है। लेकिन साढ़े साथी के संदर्भ में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो उसके पीछे के राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होता है। उनका राशि में प्रवेश होने के बाद साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होता है। साथ ही अपनी राशि के आगे के राशि में जब वे प्रवेश करते हैं तो साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इस प्रकार तीन राशियों की उनकी यात्रा को साढ़े साथी कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सभी राशियों पर शनि महाराज के साढ़े साथी का प्रभाव क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई हो नहीं सकता। हर राशि के लिए उनके प्रभाव की दिशा अलग होती है।
उस अनुसार कन्या राशि के दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए साढ़े साती का चरण प्रथम चरण बड़ा खर्चीला होता है। शनि महाराज अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करने के लिए कहते हैं, यदि आप उन्हें पूरा करते हो तो दूसरे चरण में आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। साथ ही आपका व्यक्तित्व भी प्रगल्भ होता है, उचित दिशा में आप आगे बढ़ते रहते हो, तीसरे चरण में उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूते हो। कुल मिलाकर कन्या जातकों के लिए शनि महाराज की साढ़े साती लाभकारी सिद्ध होती है। शनि महाराज अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण मकर राशि के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए दूसरा तो मीन राशि के लिए प्रथम चरण शुरू होगा। साथ ही धनु राशि की साढ़े साती से मुक्ति होगी। संक्षेप में कहा जाए तो साढ़े साती का प्रभाव सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से होता है। वास्तव में कुछ राशियों के लिए वो लाभकारी सिद्ध होती है। प्रथम चरण में यदि जातक अपनी सभी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्य को पूर्ण करता है तो साढ़े साती में होने वाली उन्नति कल्पना से परे होती है। इस बात को सभी जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शनि महाराज सामान्य रूप से एक राशि में ढाई वर्ष तक रहते हैं, लेकिन हर वर्ष वे कुछ समय के लिए वक्री भी होते हैं। उस अनुसार 12 जुलाई 2022 को वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जैसा आगे आया हुआ ग्रह जब पीछे की राशि में जाता है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। उसे स्मरण होता है कि कुछ काम अधूरे छूट गए हैं, उन्हें पूरा करना आवश्यक है। इसी के लिए वह वक्री होकर पीछे की राशि में प्रवेश करता है। अर्थात शनि के मकर गोचर का प्रभाव यदि किसी को पूर्ण रूप से न मिला हो, फिर वह प्रभाव कुंडली के अनुसार शुभ हो या अशुभ हो सकता है। उस प्रभाव को पूर्ण करने के लिए शनि महाराज 12 जुलाई 2022 को पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है, जनवरी तक वे वही विराजमान रहेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि उनका यह पूरा गोचर धनिष्ठा नक्षत्र से होगा। आपकी कन्या राशि पर शनि महाराज के इस राशि परिवर्तन का क्या परिणाम होगा, इसे समझ लेते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके राशि के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं। उनसे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। गत काल में उनका गोचर आपके पंचम स्थान से शुरू था, अब वे राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। वास्तव में आपका राशि स्वामी बुध ग्रह, जिसे युवराज कहा जाता है, और शनि महाराज को वृद्ध कहा जाता है। हम दादा और पोता इस पद्धति से विचार कर सकते हैं, इसीलिए उनमें मित्रता के सुर जुड़ते हैं। कुल मिलाकर विचार करें तो कन्या राशि के लिए शनि महाराज का गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। उनका मकर राशि का गोचर आपके लिए लाभकारी था, अब वे 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहां से उनके शुभ फलों में अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि षष्ठ स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है, जो वृद्धि करता है। विशेष बात है कि शनि महाराज के स्वभाव के अनुसार उसकी वृद्धि होती है, फलस्वरूप कई विषयों में आपकी उन्नति होगी। ज्योतिष नियमों के अनुसार कुंडली का उपचय स्थान पाप ग्रहों को अच्छा लगता है, शनि महाराज को भी वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। फलस्वरूप शनि महाराज वहां से आपको शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य रहेंगे। उसमें मुख्य रूप से जो जातक कुछ महीनों से नौकरी में पदोन्नति की प्रतीक्षा में थे, उन्हें वह शनि महाराज की कृपा से अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगी। शत्रुओं पर आप सरलता से विजय प्राप्त करोगे। इस अवधि में आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आपके कर्तृत्व में बड़ी वृद्धि होगी, क्योंकि शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी पसंदीदा और मूल त्रिकोण राशि है। उनकी यात्रा धनिष्ठा नक्षत्र से होगी, जो मंगल का नक्षत्र है।
जिस कारण अप्रत्याशित रूप से कोई संकट उत्पन्न होना, विपरीत घटना घटना, यह प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन कन्या राशि के लिए शनि महाराज कारक तो मंगल अकारक माना जाता है। परिणाम स्वरूप शनि का प्रभाव निश्चित रूप से अधिक रहेगा। जैसा हमें पता है कि शनि महाराज को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल तीन दृष्टियां होती है जो प्रभावशाली मानी जाती है। अर्थात कुंडली के दो स्थान और तीन दृष्टियां कुल मिलाकर पांच स्थानों को शनि महाराज एक ही समय पर प्रभावित करते हैं। उस अनुसार षष्ठ स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान से अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ देखा जाता है। उस अनुसार शनि महाराज की दृष्टि से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आपने यदि कहीं पहले जमीन लिए, कोई प्लॉट लिया हो, उससे आपके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। उनका एक मूल स्वभाव है, वे हमें सदैव सूचित करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, अपने कर्तव्यों को पूरा करें, तभी मैं आपको शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य रहूंगा। उस अनुसार शनि महाराज आपको पुनश्च सूचित करते हैं कि अपना कर्म उचित पद्धति से करें, अपनी सभी जिम्मेदारियों, सभी कर्तव्यों को पूरा करें। ऐसा करने पर शनि महाराज आपको षष्ठ स्थान से भरपूर शुभ फल निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण बात है, उससे आपको समाधान भी प्राप्त होगा। इसीलिए आपने इस अवधि में अपना पूरा ध्यान जिम्मेदारियों को पूरा करने पर लगाना चाहिए, यह सलाह आपको दी जाती है। उसके बाद शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली के तृतीय स्थान से परिश्रम, पराक्रम, बंधु सौख्य, पड़ोसी देखे जाते हैं। इस स्थान पर पड़ने वाली शनि महाराज के शुभ दृष्टि से आपको बंधु सौख्य की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आप छोटी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, उनमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पड़ोसियों से आपका सौख्य बढ़ेगा, आपके कर्म की, परिश्रम की दिशा में अनुशासन आएगा, उसमें उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। अर्थात यह सब 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक के अवधि में होगा। उसके बाद शनि महाराज वक्री अवस्था में पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वे पीछे की राशि में जाएंगे। इसका अर्थ है कि वहां उनके कुछ काम अधूरे छूट गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वे पुनश्च आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। पंचम स्थान के शनि महाराज के शुभ फलों का अनुभव आपने गत काल में लिया है। उनका जब मकर राशि में आगमन हुआ था, उस समय हमने विभिन्न वीडियो के माध्यम से उनके फलों का विश्लेषण किया था। उसका अनुभव आपने निश्चित रूप से लिया होगा। उसके बाद शनि महाराज मार्गी अवस्था में पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक का वह अवधि रहेगा। अर्थात अब 29 अप्रैल से 12 जुलाई के काल में जो आपको फल प्राप्त होंगे, उन्हीं फलों में जनवरी 2023 के बाद वृद्धि होगी। ऐसा हम कह सकते हैं कि जनवरी 2023 में आपको जो फल प्राप्त होंगे, उनका एक छोटा सा ट्रेलर अभी आपको देखने मिलने वाला है। कुल मिलाकर शनि महाराज का यह गोचर कन्या राशि के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वास्तव में अभी होने वाले सभी गोचर कन्या राशि के लिए लाभकारी रहेंगे, क्योंकि षष्ठ स्थान में शनि महाराज, सप्तम स्थान में गुरु महाराज द्वारा हंस योग की निर्मिति, जिसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन उसी समय अष्ट स्थान में प्रवेश करने वाले राहु कहीं ना कहीं नकारात्मकता निर्माण कर सकता है। लेकिन ग्रह सदैव भ्रमण करते हैं, उनमें कुछ शुभ परिणाम देते हैं तो कुछ संघर्ष का निर्माण करते हैं। कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं होता। वह अपने स्थान के अनुसार, दृष्टि के अनुसार, कारकत्व के अनुसार और कुंडली में उनके भावेशत्व के अनुसार फल प्रदान करता है। इस दृष्टि से विचार करें तो राशि के लिए शनि महाराज पंचमेश और षष्ठेश है,
अब वे राशि परिवर्तन कर षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। उनकी स्थिति से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। वहां से उनकी दृष्टि आपके अष्टम व्यय और तृतीय स्थान पर होगी। इन दृष्टियों से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर कुंडली के 5 स्थानों पर शनि महाराज का प्रभाव दिखाई देगा। इस काल में उपाय की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज को कर्म फल दाता कहा जाता है, क्योंकि वे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अशुभ फलों की तीव्रता कम करने के लिए, शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है, वह शिव उपासना है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में कन्या जातकों ने महादेव जी का मंदिर और परिसर में स्वच्छता करनी चाहिए, वहाँ सेवा देनी चाहिए। उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि महाराज के राशि परिवर्तन का मेष से लेकर मीन तक हर राशि का परिणाम समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर लोड किए हैं। आप अपनी राशि का देखिए, दोस्तों रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूले। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।